श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। नमस्ते दोस्तों, मैं समर रॉय, द साउंड इंजीनियर ऑफ समता ऑडियो, आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आज का एक टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है ये साउंड कार्ड लेके है। दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि छोटा मोटा होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने के लिए कौन सा साउंड इंटरफेस, मतलब कौन सा ऑडियो इंटरफेस बेस्ट रहेगा। अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट बजट आपको आपका जो ऑडियो इंटरफेस ये चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा कि किस मामले में, मतलब कौन सा काम करने के लिए आप अपना ऑडियो इंटरफेस चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जिन लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास 8 आदमी का एक साथ रिकॉर्डिंग लेने का, मतलब सेपरेट सेपरेट ट्रैक में रिकॉर्डिंग लेने का बंदोबस्त है, या मैं कर सकता हूँ, या इन फ्यूचर में मैं अपना जो रिकॉर्डिंग सेटअप है, रिकॉर्डिंग जो एरिया है, उसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि स्टैंडर्ड एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस है ऑलरेडी जो मार्केट में मिलता है, प्रिसोनस ऑडियो इंटरफेस, प्रिसोनस। तो ये अभी इसका है 1824C मॉडल नंबर, जहाँ पे दिखा है, जहाँ तक दिखा है 1824C मॉडल नंबर, 1824C आप देख पा रहे हैं, इसको देख लीजिए, मॉडल नंबर 1824C। ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसका 8 प्री एम्प है इसके अंदर। आप अगर चाहते हो तो इसको ले सकते हो, बहुत ही हैंडी 19 इंच रैक माउंटेबल है ये, और इसका सैम्पलिंग क्वालिटी आपको देगा 192 kHz तक, मतलब आप 44.1 kHz में रिकॉर्डिंग करेंगे या 48 kHz में रिकॉर्डिंग करेंगे, 96 में रिकॉर्डिंग करेंगे या 192 kHz में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो दिस गैजेट इज कैपेबल टू हैंडल ऑल द सैम्पल रेट्स अप टू 192 kHz। और ये बहुत ही अच्छा बनाया, क्योंकि देखिए इसमें आपका इनपुट्स जो है, यहाँ पे लेवल मीटर है इनपुट्स का, तो इनपुट्स आपका, आपके पास अगर मिक्सर नहीं है, मान लीजिए आपके पास मिक्सर नहीं है, मतलब मिक्सिंग कौनसल नहीं है, तो सिर्फ ये ऑडियो इंटरफेस आपका कंप्यूटर के साथ लगाने के साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और 8 जो माइक्रोफोन्स है, और 8 माइक्रोफोन्स या लाइन से आप साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट ट्रैक में, और इट सपोर्ट्स प्रोटूल्स ऑल्सो, ये प्रोटूल्स को भी सपोर्ट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत देखने में बहुत स्लीक किया है, बहुत स्लीक किया है। इसका सामने 2 इनपुट है, 1 और 2, ये कॉम्बो इनपुट बोलते हैं इसको। इसमें आप एक्सीलर जैक भी लगा सकते हैं जो माइक के साथ आता है, और TRS जैक या TS जैक आप लगा सकते हैं, तो TS जैक भी दीजिए और आपका XLR भी दीजिए, दोनों इनपुट यहाँ पे काम करेगा। इसका पीछे देखिए, यहाँ गया 1 और 2, इसका पीछे देखिए यहाँ पे है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, टोटल 8 इनपुट्स है इसमें, और सब के सब कम्बो इनपुट्स। आप चाहे इसमें लाइन इन दे दीजिए या आप XLR पॉइंट दीजिए, लाइन इन कनेक्शन भी कर सकते हैं और XLR पॉइंट भी आप इसमें दे सकते हैं, मतलब अटैच कर सकते हैं, 8 माइक को अटैच कर सकते हैं, 8 लाइन को भी अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ड्राम्स रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसमें आपको कम से कम 7 माइक्रोफोन्स चाहिए, कम से कम, तो आगे वाला 2 लाइन ले लीजिएगा XLR इनपुट, और पीछे से 5 ले लीजिए, तो 2 और यहाँ से 3 5, मतलब आपका हो गया 7। ये 7 जो इनपुट्स हैं, इसके ज़रिए आप आराम से ड्राम्स को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, इसके अंदर इनबिल्ट एक मिक्सिंग, डिजिटल मिक्सिंग जो सॉफ्टवेयर है, मतलब वो भी आता है, डिजिटल मिक्सिंग सॉफ्टवेयर भी आता है, उसमें आप कंप्यूटर में ऑटोमेटिकल इसको सबको बैलेंस कर सकते हैं, इसको इफेक्ट्स दे सकते हैं। और इसमें देखिएगा सबका गेन स्विच है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 जो इनपुट्स है, सबका गेन कंट्रोल, प्री एम्प कंट्रोल जिसको बोलते हैं, प्री एम्प है इसके अंदर, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगर आपको लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए आप यहाँ पे बटन दबा सकते हैं कि लाइन इनपुट्स के लिए, इसको दबा दीजिएगा तो सबके सब लाइन इनपुट्स चालू हो जाएंगे। और एक चीज़ है इसमें बहुत अच्छा किया, कि इसमें अगर फैंटम पावर, मतलब आपको अगर कंडेंसर माइक्रोफोन चलाना है तो उसके लिए फैंटम पावर जरूरी होता है, आपको पता है। फैंटम पावर देने के लिए ये फैंटम बटन आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से सिंगल बटन अगर ऑन करेंगे तो सब के सब जो इनपुट्स है उसमें फैंटम पावर ऑन हो जाएगा। अभी सवाल यहीं पे आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फैंटम पावर है, या यहाँ पे आपने कंडेंसर माइक्रोफोन लगाया 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आपने नॉर्मल डायनेमिक माइक्रोफोन लगाया, तो 1 नंबर माइक्रोफोन में कंडेंसर पावर, जैसे कि कंडेंसर पावर लेता है 48 वोल्ट आ ही जाएगा, लेकिन सवाल ही पे आता है 2 नंबर जो इनपुट है, जहाँ पे आपने
डायनामिक माइक्रोफोन लगाया, वहाँ पे क्या फैंटम वोल्ट पास होगा? ऑब्वियसली होगा, लेकिन फैंटम पावर वहाँ पे काम नहीं करेगा। आज की तारीख में जितने सारे माइक्रोफोन्स आते हैं, सबके साथ इनबिल्ट सर्किट ऐसा ही कुछ होता है कि उसमें आपका फैंटम पावर अगर चाहिए तो ऑटोमेटिकली फैंटम पावर सप्लाई करेंगे तो फैंटम पावर लेगा, लेकिन जो डायनामिक माइक्रोफोन में फैंटम पावर नहीं चाहिए होता है वो उसमें अगर फैंटम पावर भी देंगे तो यूज़ नहीं होगा, उसका कोई मतलब ख़राब नहीं होगा, माइक्रोफोन ख़राब नहीं होता है। और इसके लिए ये साउंड कार्ड बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है, क्योंकि इसमें इसके अंदर एक्स मैक्स बोल के एक्स मैक्स प्री एम्प है, इसके अंदर ऑटो में एक्स मैक्स प्री एम्प है, उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग कंसोल। इसमें आपका इनपुट लेवल आपको शो करेगा, तो कितना आपको मतलब इनपुट लेवल आ रहा है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और देखिए इसमें आपका मोनो बटन भी है, जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करते वक्त आपको कुछ मोनो फीचर्स भी चाहिए होता है ना, जैसे कि आपका स्टूडियो में आप सुन रहे हैं उसको अगर कोई मोनो स्पीकर में सुने तो उसको कैसे लगेगा सुनने को, तो वो चेक कर सकते हैं आप मोनो बटन दबा के। यहाँ पे मोनो बटन है, मेन बटन को आप म्यूट कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई अचानक अंदर आ गया तो आपको इंस्टेंटली वॉल्यूम को कम करना होगा, तो आप इसको वन चांस दबाने से म्यूट हो जाएगा पूरा सेक्शन। तो बहुत अच्छा फीचर्स दिया है वहाँ पे। और यह है पर दो हेडफोन्स का आउटपुट, आपके लिए दो हेडफोन्स यहाँ पे आउटपुट दिया है, आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पावर बटन पीछे का हिस्सा देखिए, इसमें लेकिन आपको 8 इनपुट दिया है, यहाँ पे 8 इनपुट, सामने 2 पीछे 6, 8 इनपुट दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लाइन आउटपुट है 8, क्योंकि ये है 18 इनपुट एंड 24 आउटपुट। इसमें एनालॉग आउटपुट आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 आउटपुट आपको वैसे ही मिल जाएगा सेपरेट सेपरेट। उसके साथ साथ मेन आउटपुट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी चेक कर लीजिए, मेन आउटपुट यहाँ पे है, ये लाइन आउटपुट और टीआरएस एंड बैलेंस्ड, ठीक है, ये सब के सब बैलेंस्ड है। लेकिन और ये जो देख रहा है मेन आउटपुट, इसमें से आप मेन आउटपुट भी ले सकते हैं, मतलब आपका जो नियर फील्ड मॉनिटर है उसमें 1 एंड 2 मतलब लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेंगे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट 1, 2 मास्टर आउटपुट होता है हमेशा, इसको अगर आप मास्टर आउटपुट के तौर पे यूज़ करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सेपरेट आउटपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस जगह में अगर आपको मेन आउटपुट चाहिए 1, 2 तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह है SPDIF, ये जो आउटपुट है इसका इनपुट है आउटपुट है, यह देखिए नीचे देखिए लिखा है इनपुट, ऊपर देखिए आउटपुट, इसके ज़रिए आप कनेक्शन मतलब जो आपका जो डिजिटल कनेक्शन है वो ले सकते हैं। और इसका क्लॉक आउट भी है, और यहाँ पे कोएक्सियल जो है कोएक्सियल इनपुट है एंड आउटपुट है 2। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका मीडी 5-पिन मीडी रिंग सॉकेट जो होता है इसमें दे रखा है ऑलरेडी, ये देखिए मीडी इन और मीडी आउट, तो ये मीडी इन एंड मीडी आउट, इसके ज़रिए आप लाइव कुछ अगर मतलब मीडी कीबोर्ड से कुछ बजाना चाहते हैं आपका VST के ज़रिए या आर्टिस्ट प्लगइन्स के ज़रिए तो आप रियल टाइम बजा सकते हैं उसको। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा किया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आज के तारीख में इसका प्राइस कुछ दिन पहले मैंने देखा था बहुत ही कम था, लेकिन आज के तारीख में देखा है प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, 46 है 47 के आसपास है। ज़्यादा आदमी को लेकर काम करना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रैक को लेकर काम करना चाहते हैं, तो ये दैट विल द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट्स जबकि ये प्रिसनस से होता है, इट बिलोंग्स टू प्रिसनस, सो यू कैन बिलीव इट, आप भरोसा कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आज ये जो हमने डेमोंस्ट्रेशन दिया है इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई साउंड कार्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये इसका क्वालिटी बहुत ही जगह मिल जाएगा, लेकिन सुनने का ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसका क्वालिटी इसका प्राइस के हिसाब से मोर देन एनफ, आपको अगर प्लान है इन फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट करने का अराउंड 50 के आसपास, तो यू कैन परचेज दिस वन, इट विल वर्थ द फॉर यू गाइस। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते में, नमस्ते जी।